नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सिवान से आरजेडी की उम्मीदवारी को लेकर हिना शहाब ने साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर इस बारे में लालू यादव उनसे बात करते हैं तब क्या होगा, इस पर हिना शहाब ने कहा कि मेरे पति सिद्धांत और वसूल के पक्के थे और मैं उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। मैं अपने जुबान पर इंशा अल्लाह कायम रहूंगी। आरजेडी की लिस्ट में सिवान का नाम नहीं होने पर हिना ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि सिवान को आरजेडी ने होल्ड पर रखा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके कारण ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। लालू परिवार से कोई कॉल आने के सवाल पर उनका यही जवाब था कि वह अपने फैसले पर अडिग है, वह लालू यादव की बात भी नहीं मानने वाली है। सिवान लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वही आपको बता दें, हिना शहाब ने साफ कर दिया है कि वह लालू यादव की बात नहीं मानेंगी और निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। दूसरी तरफ आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी खुद को सिवान का उम्मीदवार होने का दावा कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें सिवान को होल्ड पर रखकर 22 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब ऐसे में सिवान सीट पर सस्पेंस बना हुआ है कि आरजेडी ने अब तक ना तो हिना साहब की चर्चा की है और ना ही अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मुहर लगाई है। वहीं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अवध बिहारी चौधरी का कहना है कि लालू के परिवार ने हमें टिकट दे दिया है और कहा है कि जाइए क्षेत्र का दौरा कीजिए, लेकिन लिस्ट में अवध बिहारी का नाम नहीं निकलने से लोगों के बीच अब कंफ्यूजन बना हुआ है कि टिकट आरजेडी आखिर किसको देने वाली है। लेकिन जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी ने फ्लोर टेस्ट के टाइम आरजेडी का साथ दिया था, अब आरजेडी अगर उनको टिकट नहीं देती है तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में घमासान देखने को मिल सकता है। और अवध बिहारी का कहिए तो वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आरजेडी के लालू कौन सा पासा फेंकते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।